किड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और हम यहाँ से जो वीडियो भेज रहे हैं वो अच्छी तरह से देख के अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हो। हमने लास्ट स्टैंडर्ड फिफ्थ में हमारा जो सक्सेसर और प्रीडिसेसर और स्किप काउंटिंग वाला जो पॉइंट था वो कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.2 जो मैं करवा रही हूँ और आपको भी मेरे साथ कंप्लीट करना है, और इसका मैं फ़ोटो भी सेंड कर दूँगी तो आपको फ़ोटो में से देख के भी लिखना है और आपको अपने हिसाब से जो मैं सम करने को बोलूँ आपको पहले ट्राई करना है, बाद में फ़ोटो में देख के आपको सॉल्व कर लेना है। ओके बच्चों, तो हम अब स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सक्सेसर मीन्स आफ्टर, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, सक्सेसर मीन्स आफ्टर। मीन्स यहाँ पे एक ब्लैंक कर देंगे, आपको बुक में भी ऐसा ही करना है। क्या करोगे? क्वेश्चन वन लिखोगे बुक में, उसके नीचे ए लिखोगे, ए में ये नंबर लिखोगे पहले जो दिया गया है, उसके पीछे एक ब्लैंक करोगे। ओके, तो ये ब्लैंक हो गई है, तो आप क्या करोगे? अब इसके आफ्टर वाला नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो हम अगर एक तो हम ऐसे सोच के भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे लास्ट नंबर 6 है तो 6 के बाद क्या आता है? 7। हम ऐसे सोच भी से भी फाइंड कर सकते हैं, और प्लस 1 करके भी हम फाइंड कर सकते हैं। 208 2 1 4 7, देखो यहाँ पे 208 2 1 4 6 लिखा था मैंने, यहाँ पे लिख दिया 208 2 1 4 7, 6 की जगह पे मैंने 7 लिख दिया है। सेम वे इसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे, प्लस 1 is equal to 1 4 2 2 0 8 2 1। 1 के बाद क्या आता है? 1 में ही सिर्फ 1 प्लस करना है। मैं क्या बोल रही हूँ बच्चों कि लास्ट नंबर में ही सिर्फ ये प्लस करना होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो सारे नंबर में ऐसे ही लिखूँगी, सिर्फ ये लास्ट वाला नंबर में चेंज कर दूँगी। 1 4 2 2 0 8 2 and again 2 मीन्स 22। देखो यहाँ पे 21 था तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 22। ओके, वो प्लस 1, और इसका आंसर आपको लिखना है। क्या करोगे? लास्ट आंसर चेंज कर दोगे, बाकी के सारे नंबर ऐसे ही लिखोगे। 7 3 4 3 3 7 3 4, और 1 की जगह पे यहाँ 1 प्लस 1 करके 2 लिख दोगे। ओके, अभी यहाँ पे है, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रीडिसेसर मतलब बिफोर, बिफोर वाला नंबर। तो बिफोर क्या, कब आता है? बिफोर मीन्स हमें इसके पहले का नंबर लिखना है, जो नंबर दिया गया है इसके पहले का नंबर हमें लिखना है। तो यहाँ पे ये नंबर दिया गया है, माइनस 1 करेंगे और एक ब्लैंक कर देंगे। क्यों माइनस 1? क्योंकि प्रीडिसेसर है इसीलिए माइनस 1, सक्सेसर में प्लस 1। ओके, तो देखो सारे नंबर ऐसे ही लिखूंगी, सिर्फ ये लास्ट वाला नंबर जैसे हम सक्सेसर में करते हैं वैसे ही। तो सारे नंबर ऐसे ही लिख रही हूँ, 9 3 2 1 2 4 2। अब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 0। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 0, लास्ट में मैंने 1 की जगह पे लिख दिया है 0। इसमें भी माइनस 1 करना है पर सिर्फ लास्ट वाला नंबर चेंज करेंगे। ओके, देखो सारे नंबर ऐसे लिखेंगे, 6 2 0 8 2 1। अभी 8 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आता है? 8 में से 1 माइनस करते हैं तो आता है 7। 6 2 0 8 2 1 8, उसकी जगह पे मैंने लिखा है 6 2 0 8 2 1 7। ओके, अब ये भी है लास्ट वाला नंबर, इसमें से माइनस 1 लास्ट वाले नंबर में से, तो ये आप करेंगे। 4 में से 1 माइनस करते हैं तो 3 आता है। सारे नंबर ऐसे ही लिखोगे, सिर्फ 4 की जगह पे आप लिखोगे 3। ओके, तो ये हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट टू नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग।
यहाँ पे जो नंबर दिया गया है इसके दो नंबर और लिखने हैं। यहाँ पे क्या किया था हमने सक्सेसर में, इसका सिर्फ एक ही नंबर नेक्स्ट वाला लिखा था, यहाँ पे हमें दो बार लिखना है। ओके, तो ये क्या करेंगे, इसमें पहले प्लस वन करेंगे, नेक्स्ट नंबर लिखना है मीन्स सक्सेसर लिखना है, सक्सेसर मीन्स प्लस वन। तो पहला आंसर होगा, यहाँ पे आप ए करके वन करोगे और इसका पहला आंसर, सिर्फ लास्ट वाला नंबर चेंज होगा, बाकी सारे नंबर ऐसे ही रहेंगे, 4422081+1 2। फिर ये जो नंबर है, मैं सेकेंड नंबर इसके नीचे करके ये जो नंबर मेरा आंसर में आया है वो मैं यहाँ पे लिखूँगी 4422082। ओके, देखो पहले बार मैंने प्लस वन किया तो ये आंसर आया, अभी फिर से वही आंसर लिख रही हूँ, फिर से प्लस वन करूँगी तो इसमें मैं प्लस वन करूँगी तो क्या आंसर होगा, 4422083। तो ये जो दो नंबर हमें मिले हैं ये इसके नेक्स्ट टू नंबर्स है, जैसे यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है। ओके, इसमें भी सेम करेंगे, इसको वन नंबर दे देंगे, इसमें प्लस वन वन टाइम करेंगे तो क्या आंसर होगा, 86। लास्ट में ही सिर्फ प्लस वन करना होता है, बाकी सारे नंबर एज इट इज़ लिखेंगे, 86433124, थ्री का थ्री प्लस वन फोर। ये नंबर अब नीचे लिखेंगे सेकेंड नंबर करके, जो हमारा आंसर आया है वो नंबर 86433124+1। अभी ये फोर में हम वन प्लस करेंगे तो क्या आंसर होगा, 86433125। देखो यहाँ पे 3 4 5। ओके, मीन्स ये दो नंबर जो है उसके नेक्स्ट टू नंबर्स है। ओके बच्चों, तो ये आपको भी ऐसे ही लिखना है अपनी बुक में। अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द टू नंबर्स दैट जस्ट कम बिफोर ईच ऑफ द फॉलोइंग, मीन्स जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया है ये इससे उल्टा क्वेश्चन है। बिफोर मीन्स प्रीडिसेसर, मीन्स हमें दो बार माइनस वन करना पड़ेगा, तो ये फर्स्ट नंबर दे देंगे जैसे हमने उस पहले वाले क्वेश्चन में दिया था, एक बार माइनस वन कर देंगे और एक ब्लैंक कर देंगे, 6 में 7 माइनस करना है, बाकी सारे नंबर ऐसे ही लिखने हैं, 7 3 2 3 1 8 4 5। 6 में 7 माइनस करेंगे तो 5। यहाँ पे सेकेंड नंबर दे के ये नंबर लिखेंगे फिर से, 7 3 2 3 1 8 4 5। अगेन एक बार माइनस वन करेंगे तो क्या आंसर होगा, 5 में से ही सिर्फ माइनस वन करना है तो 7 3 2 3 1 8 4 4। ओके, 6 5 4। देखो हमने दो बार इसके पीछे वाले नंबर लिख दिए। ओके, ये इसमें भी आप करोगे, मैं दिखा देती हूँ कैसे करना है। एक बार माइनस वन करना है, पहले यहाँ पे वन नंबर दे के इसका जो आंसर होगा वो दूसरी बार यहाँ पे लिखना है, उसमें से माइनस वन करके उसका आंसर आपको लिखना है। ये जो नंबर आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, ये नंबर आप यहाँ पे लिखोगे, फिर से माइनस वन करोगे और उसका आंसर ले लोगे। ओके, अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नेक्स्ट थ्री नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो मैं ये इसमें आपको एक दिखा रही हूँ, एक आपको करना है। ओके, नेक्स्ट थ्री मीन्स इसके ऊपर नेक्स्ट टू थे, मीन्स हमने दो बार प्लस वन किए थे, अभी यहाँ पे नेक्स्ट थ्री है, मीन्स हम तीन बार प्लस वन करेंगे। तो देखो यहाँ पे प्लस वन, पहला ये नंबर है उसमें प्लस वन करेंगे तो क्या आंसर होगा, 4328। थ्री में प्लस वन करना है, 6414। ओके, 3+1 4। अब ये नंबर है, सेकेंड नंबर करके आपको लिखना है, 4328-6414। इसमें अगेन प्लस वन करना है तो क्या आंसर होगा, 4+1
4328 6415। देखो 4328 मैं सारे नंबर ऐसे ही रख रही हूँ, सिर्फ लास्ट वाला जो नंबर है उसमें मैं प्लस वन कर रही हूँ। तीन बार करना है इसलिए यहाँ पे आप तीसरा नंबर दोगे और प्लस वन करके उसका आंसर लिखोगे 4328 6416। देखो ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर और उसमें भी थर्ड नंबर करके तीसरा आंसर यहाँ पे आप लिखोगे। ओके, फर्स्ट बार प्लस वन किया, सेकेंड बार प्लस वन किया और थर्ड बार प्लस वन किया, तो ये हमारे पास तीन आंसर है, 3 4 5 6 तीन आंसर हमने करने हैं। और ये आपको करना है जो दो सेकेंड बी वाला क्वेश्चन है, वो क्या करोगे, पहले एक बार वन प्लस करोगे उसका आंसर आएगा, फिर दूसरी बार प्लस वन करोगे उसका आंसर जो होगा, उसमें तीसरी बार वन प्लस करोगे और उसका आंसर आएगा। मीन्स आपके पास तीन आंसर आएंगे तीन बार प्लस वन करोगे तो। ओके, अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। राइट द 3 नंबर्स दैट कम्स जस्ट बिफोर ईच नंबर, मीन्स जैसे ये किया है इसका उल्टा करेंगे। इसमें ये आपको दिखा रही हूँ, ये आपको ट्राई करना है। ओके, तो इसमें क्या करना है, तीन बार माइनस वन करना है, माइनस वन तो फर्स्ट आंसर आएगा हमारे पास, इसमें से वन माइनस करेंगे 4 में से तो सिर्फ 4 ही चेंज होगा, बाकी सारे नंबर ऐसे ही लिखेंगे 2 1 2 0 6 4 0 3। माइनस वन किया 4 में से इसीलिए 3। अभी इसको सेकेंड नंबर दे देंगे और ये आंसर जो आया है हमारे पास वो लिखेंगे 2 1 2 0 6 4 0 3। उसमें से वन माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर होगा, 2 1, ये 3 में से माइनस वन करेंगे 2 1 2 0 6 4 0 2। अभी तीन बार करना है इसीलिए थर्ड नंबर भी देना होगा, थर्ड नंबर ये जो आंसर है लिखेंगे 2 1 2 0 6 4 0 2, उसमें से माइनस वन करेंगे 2 में से तो क्या होगा आंसर, 2 1 2 0 6 4 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। देखो पहली बार माइनस 1 किया क्वेश्चन था उसमें से, तो वो माइनस 1 करके जो आंसर आया वो हमने सेकेंड नंबर में लिखा, उसमें से भी फिर माइनस 1 किया तो उसका जो आंसर आया वो हमने थर्ड नंबर में लिखा, थर्ड नंबर में भी माइनस 1 किया और ये आंसर आया, तो हमारे पास कितने आंसर आए, 1 2 एंड 3। हमें 3 नंबर लिखने थे तो हमने 3 नंबर यहाँ पे लिख दिए, माइनस 1 3 टाइम करेंगे। ओके, ऐसे ही आपको इसमें भी करना है, 3 बार माइनस 1 करना है और 3 आंसर लिखने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 नंबर्स दैट कम्स इन बिटवीन, ये बिटवीन वाले नंबर्स दिए गए हैं, मीन्स जो दो नंबर दिए हैं उसके बीच में कौन से दो नंबर आते हैं, तो देखो यहाँ पे ये नंबर है और ये नंबर है, इसके बीच वाले दो नंबर हमें लिखने हैं। ओके, तो मैं आपको ये नीचे करके बताती हूँ। ए वाला क्वेश्चन देखो, ये जो नंबर है उसमें पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2 1 1 8 4 1 9 2, फिर दो नंबर बीच में लिखने हैं तो दो ब्लैंक बनाएंगे और फिर लास्ट में जो नंबर है 2 1 1 8 4 1 9 5। ओके, अब 2 और 5 के बीच में, सिर्फ लास्ट नंबर ही मैं बोल रही हूँ, 2 और 5 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 और लास्ट में 5, तो यहाँ पे दिया ही गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे 2 की जगह पे 3 और यहाँ पे 3 की जगह पे क्या लिखेंगे 4। ओके, तो मैं बाकी के सारे नंबर ऐसे ही लिख रही हूँ, सिर्फ ये 2 ही चेंज करूँगी। देखो 2 1 1 8 4 1 9, 2 की जगह पे मैं लिख रही हूँ 3। ओके, यहाँ पे भी 2 1 1 8 4 1 9 4, हो गया 2 3 4 5। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला,
देखो इसमें ये नंबर है और ये नंबर है, मीन्स यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, तो 3 और 6 के बीच में क्या आता है, 3, उसके बाद 4, 5 एंड लास्ट में 6, तो बीच में कौन से दो नंबर आए हैं, 4 एंड 5, तो बाकी सारे नंबर ऐसे ही लिखने हैं, 3 की जगह पे आपको क्या लिखना है, 4, नेक्स्ट ब्लैंक में 4 की जगह पे क्या लिखोगे, 5, और 6 तो ऑलरेडी दिया है, ओके, तो ये आप कर लोगे आई थिंक। अब मैं करवाऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 नंबर्स दैट कम्स इन बिटवीन, ओके, यहाँ पे ये जो नंबर है उसके बाद कोई 3 नंबर बीच में आते हो और बाद में ये नंबर आएगा, देखो यहाँ पे लास्ट में क्या दिया गया है, 1, और यहाँ पे लास्ट में क्या है, 5, तो 1 और 5 के बीच में कौन कौन से 3 नंबर आते हैं, 1 के बाद क्या आता है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या आता है, 4, और 4 के बाद 5, देखो ये जो नंबर है उसके बाद का नंबर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, 1, 2, 5, 2, 5, 2, 7, और 1 की जगह पे मैं लिख दूँगी 2, अगेन 2 की जगह पे मैं लिख दूँगी 3, 1, 2, 5, 2, 5, 2, 7, 3, देखो 2 की जगह पे मैंने लिख दिया है 3, अगेन 1, 2, 5, 2, 5, 2, 7, 4, 3 की जगह पे मैंने लिख दिया 4, 1 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 3, 3 की जगह पे 4, और 5 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, तो बीच वाले 3 नंबर कौन कौन से थे, 1,52,000, ये 1,2,5,2,5,2,7,2, ये 1,25,25,272, ये 1,25,25,273, 1,25,25,274, ओके, तो यहाँ पे एक 9 है और यहाँ पे 3 है, तो 9 के बाद 10 आता है, इसलिए मैं आपको समझाती हूँ कि आप इसमें क्या करोगे, पहला नंबर कौन सा होगा, 3,3,7,4,1,8,5, देखो ये 9 है इसलिए मैं ये दो नंबर चेंज करूँगी, क्योंकि 9 है तो उसके बाद तो 10 आ जाएगा, तो आप अगर ऐसे लिखोगे 2 भी लिख दोगे और 10 लिखोगे तो ये नंबर तो बड़ा हो गया इससे, तो ऐसे नहीं करना है, जब 9 आएगा तब हम दो नंबर नहीं लिखेंगे, मैंने सिर्फ 5 तक ही लिखा है, 29 है अब, तो 29 के बाद क्या आता है, 30, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 30, अब 30 के बाद क्या आता है, ये आपको 33, 74, 18, 5, अब 0 की जगह पे क्या लिखूँगी मैं, 1, 30 के बाद 31, 33, 74, 18, 5, 32, देखो 1 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 2, और 3 तो क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये जो 3 नंबर्स है वो इसके बाद आते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में है, काउंटिंग बाय 60s राइट 3 न्यूमरल्स आफ्टर 2,08,17,463, 60s मीन्स हमें 60 प्लस करना है, कितनी बार, 3 बार, तो ये जो नंबर है 7,4,6,3, उसमें मैं 3 बार 60 प्लस करूँगी, पहला बार 60 प्लस करूँगी, तो 3+0=3, 6+6=12 मीन्स 2 एंड 1, 4+1=5, बाकी के सारे नंबर ऐसे लिख दूँगी 7,1,8,0,2, देखो तो ये इसके बाद पहला नंबर होगा 2,0,8,1,7,5,2,3, हमें 3 नंबर्स लिखने हैं, ओके, तो अगेन 60 प्लस करना होगा, 3+0=3, 2+6=8, 5, 7, 1, 8, 0, 2, तो इसके बाद नंबर होगा 2,0,8,1,7,5,8,3,
इसके बाद अगेन 60 तीन बार बोला गया है, इसलिए तीन बार प्लस करेंगे, 60 प्लस करेंगे, 3 प्लस 0 3, 8 प्लस 6 14, सो 4 एंड 1, 5 प्लस 1 6, 7 1 8 0 2। तो इसके बाद जो नंबर होगा 2081 7643। देखो तीन नंबर हमने इसके बाद लिख लिए, 60 हमने तीन बार प्लस किया और जो आंसर मिला हमने वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके बच्चों, 60 तीन बार प्लस करना है और जो आंसर आए वो आपको लिखना है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। काउंटिंग बाय 700 राइट थ्री न्यूमरल्स आफ्टर 3,97,51,420। काउंटिंग बाय 700 थ्री न्यूमरल्स मीन्स हमें हर बार 700 प्लस करना है इस नंबर में, कितनी बार? तीन बार। ओके तो ये आप करोगे, आपको क्या करना है, पहली बार 700 प्लस करना है, जो आंसर आए वो लिखना है, ये आपका पहला आंसर होगा। फिर अगेन 700 प्लस करोगे, जो आंसर आएगा वो आपका दूसरा आंसर होगा, और उसमें अगेन 700 प्लस करोगे, जो आंसर आएगा वो तीसरा आंसर होगा। तो आप ये तीन आंसर ऐसे लिखोगे। ओके अब नेक्स्ट, और फोटो तो मैं आपको भेजूंगी, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप फोटो में देख सकते हो। काउंटिंग बाय 50,000 राइट थ्री न्यूमरल्स आफ्टर 38,86,84,745। 50,000 मीन्स हमें हर बार 50,000 प्लस करना है तीन बार, पहली बार 50,000 प्लस करना है तो ये होगा पहला आंसर, फिर 50,000 प्लस करना है तो ये होगा दूसरा आंसर, एंड अगेन 50,000 प्लस करना है तो जो आंसर मिलेगा वो होगा तीसरा आंसर। तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो पहला, यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो दूसरा, और यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो तीसरा, ये आपको लिखना है। ओके और अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपको फोटो में मैं ऐसे काउंट करके ही दूंगी, तो आप उसमें देख सकते हो। थैंक यू बच्चों, बाय।